तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है लूप विथ प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप, मतलब प्लेन जो है परपेंडिकुलर टू द लूप, विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू लूप, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस, द रेडियस ऑफ द लूप श्रिंक टू ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, रेडियस अचानक से कम हो गया 1 mm/s² इस रेट से कम हो रहा, रेडियस डिक्रीज हो रहा, बी केयरफुल, रेडियस कांस्टेंट नहीं है, ये धीरे 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 इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही इस रेट से। तो कहते हैं कि इंड्यूस EMF, जब रेडियस 2 cm का होगा तब हमें कितना जो है इंड्यूस EMF होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें बच्चों, तो एक सर्कुलर हमारे पास लूप है और सर्कुलर लूप कुछ ऐसा है, ठीक है ना, और ये सर्कुलर लूप कुछ ऐसा है, यू कैन जस्ट इमेजिंग ए रिंग शेप ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक प्लेन परपेंडिकुलर टू लूप, और एरिया वेक्टर ही इधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से जो थीटा बनेगा वो बनेगा ज़ीरो, इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू, हाँ थीटा बना ज़ीरो। अब अचानक से इसका 2D व्यू देखोगे, सामने से देखोगे तो इमेजिंग करो, ये लूप ऐसा है और ये लूप कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होने लगा, ठीक है ना, कांस्टेंट रेट से कम हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस वो डिक्रीज हो रही है। तो जब रेडियस डिक्रीज हो रही है तो इससे फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स 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 विल चेंज्ड, तो फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस EMF जनरेट होगा, इंड्यूस EMF जनरेट होगा, ठीक ना, जनरेटेड, तो इंड्यूस EMF जनरेटेड होगा। बात आ गई समझ में? तो अगर होगा तो उसी की तो कैलकुलेशन करनी है हमें यार। तो चलो कर लेते हैं। इंड्यूस EMF क्या फार्मूला होता है? इंड्यूस EMF इक्वल टू d∅/dt मैग्नीट्यूड में, तो d∅/dt मैग्नेटिक फ्लक्स BA cos 0, cos 0 1 हो गया, तो d/dt मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो गया, एरिया चेंज हो रहा, πr² तो रेडियस बदला, तो बी पाई बाहर आ गया, dr/dt यहाँ से r² का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो बी यहाँ से पाई और यहाँ से 2r और यहाँ से dr/dt, ठीक ना, dr/dt, दिस इज द इंड्यूस EMF की एल्जेब्रिक वैल्यू आएगी ये वाली। अब इसमें क्या करना, कुल मिला के मैग्नीट्यूड रख देना, तो मैग्नीट्यूड रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0.025 टेस्ला है, और पाई यहाँ से रहने दो, और 2r रेडियस, dr जो है, r जो है क्या है, रेडियस है, रेडियस जब 2 cm का, तो 2 cm तो 2×10⁻²⁻ और dr/dt, तो dr/dt अगर तुम देखोगे तो dr/dt जो है 1 mm है, तो 1 mm है, तो 1 mm है, तो 10⁻³ ऐसाई में सॉल्व कर लेता हूँ, तो dr, ये पूरे dr/dt की जो वैल्यू आ जाएगी 1×10⁻³, तो यहाँ से 1×10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व करो, तो यार यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो ये 4 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा यहाँ से, और 4 तुम देखोगे यहाँ से 4, और 4 में 0.25 का मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 100, और यहाँ से 3 पॉइंट पे 0 लगेगा तो 0.1, तो यहाँ से 0.1 और ये पाई बचा, और यहाँ से बचा 2⁻⁵, यहाँ से 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखोगे 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 और यहाँ से पाई, और ये 10⁻⁶ हो जाएगा, इतना जो टेस्ट, इतना बोल्ट जनरेट होगा, लेकिन 10⁻⁶ मतलब पाई माइक्रो बोल्ट इंड्यूस EMF जनरेट होगा। इस हिसाब से प्यारे बच्चों जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाता है।